नमस्कार। हम जैसा कि आपने पूर्व बताया था कि दूधाधारी मठ के जब हम कर रहे थे ब्लॉक, उस समय हम बताए थे कि आपको जैतू साहब मठ के दर्शन कराएंगे। हम यहाँ स्थित है, पुरानी बस्ती स्थित, गलियों के बीच में बसता यह जैतू साहब मठ। ये उसका मुख्य द्वार है, मेरे सामने देखिए इधर ये मुख्य द्वार है। अब इसके अंदर हम चल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम आपको दर्शन कराते। जैतू साहब मठ भी दूधाधारी मठ की तरह अत्यंत प्राचीन है। अब इसका जो भी इतिहास है, पहले मंदिर मतलब पहले आपको मैं मठ घुमा देता हूँ और इसका जो भी इतिहास है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नमस्कार, मैं विजय सिकार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने तीन मठ के बारे में बताया था, दूधाधारी मठ, जैतू साहु मठ और तीसरा है शिवरी नारायण मठ। हमने दूधाधारी मठ के बारे में बता दिया था और अब जो है शिवरी जैतू साहु मठ आए हुए हैं। हम यहाँ के जो प्रमुख हैं श्री अजय तिवारी जी मठाधीश, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस यहाँ के इतिहास के बारे में कि इस मठ की स्थापना कैसे हुई और इसका क्या इतिहास है। जैतू साहु मठ की स्थापना लगभग 180 वर्ष पूर्व हुई है। इस मठ की स्थापना श्रीमती उमाबाई अग्रवाल, जो जिनको पहले साहब बोलते थे अग्रवाल लोगों को, तो उनकी संतान नहीं थी, दो लड़कियां थी तो अपने आप को निशांत मानती थी, इसलिए उन्होंने एक तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसको लेकर उन्होंने इस मठ का मंदिर का निर्माण कराई, जिसमें भगवान रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ ही भगवान कृष्ण और राधिका जी के अलग से मंदिर की स्थापना उन्होंने की। इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं। और इस मठ में निर्माण करने के बाद 7 गांव उन्होंने अर्पित किए इस मठ के व्यवस्था संचालन के लिए। और उनका उद्देश्य यह था कि भगवान का सेवा हो, पूजा पाठ, आरती, भोजन और यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको रखा जाए, जो साधु संत आते हैं उनकी रहने की, भोजन की, आवास की पूरा व्यवस्था इस मठ के द्वारा की जाती है। इस मठ के पहले महंत हुए थे महंत बिहारी दास जी, उनके शिष्य हुए महंत लक्ष्मी नारायण दास जी। महंत लक्ष्मी नारायण दास जी जब 17 वर्ष के थे, 1917 में अंग्रेज का शासन था भारतवर्ष में जी, तो भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और इस मठ में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, वामराव जी लाखे, शिवदास डागा आदि ऐसे छत्तीसगढ़ के जो महान उस समय के विभूति थे, सारे लोग जैतू साहु मठ में आकर रणनीति अपनाते थे और यहाँ जो रणनीति बनती थी उसी के हिसाब से आंदोलन की कार्रवाई शुरू की जाती थी। नमस्कार, ये मंदिर प्रांगण में स्थित हूँ मैं और ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की विष्णु भगवान की प्रतिमा आप देखेंगे तो आप स्वयं मोहित हो जाएंगे।
ये राम सेतु पत्थर है जो रामेश्वरम से लाया गया है। जब ये श्री रामचंद्र जी लंका विजय के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने के लिए इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से छू सकते हैं। यह पानी में बिल्कुल भी डूबता नहीं है, देखिए मैं कितने जोर से दबा रहा हूँ फिर भी वो जो है डूब नहीं रहा है, ये वापस ऊपर आ रहा है। इस जैतूसाव मठ में पहली बार अछूतोद्धार हरिजनों का मंदिर में प्रवेश दिलाया गया, और महात्मा गांधी जब 1932-33 में जब आए थे तो जैतूसाव मठ में भी आए। यहाँ पर गांधी जी जैतूसाव मठ के कुएं से एक अछूत कन्या के हाथ से जल निकलवाकर पानी भी ग्रहण किए थे। यहाँ पे संस्कृत विद्यालय भी चलता है, संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मण बालक भी यहाँ रहते हैं, उनके निःशुल्क रहने की, आवास की, वस्त्र की, पुस्तक कापी की निःशुल्क उनकी व्यवस्था की जाती है, और साधु संत जो आते हैं उनकी भी व्यवस्था की जाती है। ये बहुत अच्छी बात बताई, बहुत यानी इस मठ से बड़े बड़े VVIPs लोगों का जो है यहाँ पे आना जाना रहता था। आज भी जो है गलियों में बसता है ये मठ, पर आज भी उसकी जो भव्यता और उसकी विशालता जो है वो आज भी है। चाहे वो देश का कोई भी VVIP पर्सन हो, फर्क इतना है कि उस समय आज़ादी की थी इसलिए बैठक यहाँ पे होती थी, पर अभी जो है इनके बिना, आज्ञा के बिना आज भी कोई भी कार्य जो है मठ के बिना इजाज़त ली जाती है, बिना उसके कार्य नहीं होता। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस मठ के जो संस्कृत के लिए खासकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृत प्रेमी हैं और भारत की जो जननी है वो संस्कृत ही है। हम इसके इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।